नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G60 वर्सेस Xiaomi Poco F3 GT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G60 में 6.68 इंच जबकि Poco F3 GT में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G60 से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G60 में 2.99 इंच जबकि Poco F3 GT में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G60 में 0.39 इंच जबकि Poco F3 GT में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G60 में 225 ग्राम जबकि Poco F3 GT में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G60 में IPS LCD जबकि Poco F3 GT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Moto G60 में 20:5:9 जबकि Poco F3 GT में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G60 में 6.8 इंचेस जबकि Poco F3 GT में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G60 में 1080x2460 और Poco F3 GT में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G60 में 85.43% जबकि Poco F3 GT में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G60 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco F3 GT की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G60 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco F3 GT की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G60 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco F3 GT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G60 में Adreno 618 जबकि Poco F3 GT में Mali-G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G60 में Qualcomm Snapdragon 732G और Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MP6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G60 में अप टू 1TB जबकि Poco F3 GT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Moto G60 में 6000 mAh जबकि Poco F3 GT में 5065 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G60 की 17,999 रुपीज जबकि Poco F3 GT की 26,999 रुपीज प्राइस है, जो कि Moto G60 से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
मोटो G60 में 10 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi Poco F3 GT की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Poco F3 GT आगे है, मेन कैमरा में Moto G60 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Poco F3 GT आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 18,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।